स्विस बैंक एचएसबीसी में भारतीय खाता धारकों के नाम और जमा रकम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2011 में फ्रेंच अथॉरिटी की ओर से भारत सरकार को एचएसबीसी बैंक में 628 भारतीय खाता धारकों के नाम बताए गए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से जुड़े नए नाम सामने आए हैं और उनकी प्रामाणिकता की जाँच की जाएगी, जबकि 60 मुकदमे पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं। बिहार में गहराते सियासी संकट के बीच जेडीयू की सहयोगी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी जीतन राम मांझी के साथ मिलीभगत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात अपने रेडियो कार्यक्रम में इस बार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर झुकाव दर्शाते हुए विश्वास जताया है कि वो बहुमत सिद्ध करने में सफल होंगे और नीतीश के हाथ निराशा ही आएगी। विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना के बीच कांग्रेस ने कहा है कि अगर सर्वेक्षणों के नतीजे सही हैं तो वो दिल्ली में जो भी भूमिका मिलेगी उसे निभाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनने की आशंकाओं के बीच कोषों एवं फुटकर निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की बिकवाली बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 286 अंक कमजोर हो गया। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में अच्छी पारी खेलने पर खुशी जताई। भारत ने 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच हालांकि गंवा दिया, लेकिन धवन ने 71 गेंद में 59 रन बनाए। अभिनेता वरुण धवन इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म बदलापुर के प्रमोशन में बिजी हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी सबसे कम बजट की फिल्म है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने नेतृत्व के लिए पार्टी का विश्वास मत हासिल कर लिया है। हाल के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी लोकप्रियता गिरी थी, जिसके बाद उनकी लिबरल पार्टी के कुछ सांसद ने उनके पद को चुनौती दी थी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।